नमस्कार। आदि शक्ति परा और अपरा दोनों है, वह निर्विकार है, वह निराकार है, लेकिन हम उसे जागृत कर उसको साक्षात भी महसूस कर सकते हैं। जब भक्तजन आर्त होकर उस देवी की आराधना करते हैं तो वह उनका परित्राण करने के लिए अवतरित होती हैं। भक्त उनकी लीलाओं का गान किए अघाते नहीं। जो भक्त उनकी उपासना किया करता है और उन्हें अपने भीतर जागृत करता है तो वह स्वर्लोक, मृत्युलोक और रसातल लोक कहीं भी दुखी नहीं होता। उसके साथ उस माँ जगदम्बा की शक्ति रहती है। आज हमारे स्टूडियो में नारी शक्ति मौजूद है, जो कि हम उस दुर्गा के नौ रूपों के विषय में बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले श्रीमती गीतांजलि लाल जी, जो यहाँ मध्य में बैठी हैं, ये चार दशकों से कथक की गुरु रही हैं और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ आई हैं। नमस्कार। नमस्कार। उनके पश्चात मैं आपका परिचय कराती हूँ श्रीमती मानुषी सिन्हा जी से, जो कि 8 पुस्तकों की लेखिका हैं और आर्कियोलॉजी में शोधकर्ता रही हैं पिछले 1 दशक से। तत्पश्चात आपका परिचय करा दूं शिव प्रिया मिश्रा जी से, जो कि कंपनी CEO हैं और इंडोलॉजी में शोधकर्ता भी रही हैं। कितनी खुशी की बात है कि हम इन सभी नारी शक्ति के मध्य में बैठे हैं और उस शक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। आपका तो नाम ही शिव प्रिया है, तो आप कैसे सोचती हैं, जो शिव प्रिया पार्वती माँ हैं उनके विषय में कृपया आप कुछ कहें। मैं पहली बात कहना चाहूँगी कि मेरे माँ बाप सोचते थे कि मैं शिव प्रिया हूँ, उन्होंने ये नाम दिया और उनके अनुसार उन्होंने मुझे नाम भी पार्वती की वजह से नहीं, काली की वजह से शिव प्रिया नाम दिया। क्योंकि पार्वती से ज़्यादा ऐसा बोला जाता है कि वो काली से प्रेम करते थे, क्योंकि उनके लिए, उनको रोकने के लिए वो लेट गए थे, उसके बिना वो रुकती नहीं, उनका डिस्ट्रक्शन नहीं रोकती। तो मेरा नाम वहां से आता है, एंड हेंस द काली साड़ी। तो वो आता है, एंड काली माँ को बहुत एक नजरिए से देखा जाता है, खाली डिस्ट्रक्शन, खाली नेगेटिव एनर्जी से देखा जाता है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है वहीं पे बिगिनिंग होती है। बिल्कुल। और डिस्ट्रक्शन गलत चीजों का जरूर होना चाहिए, जो सिंस होते हैं, जो ईविल जो चीजें होती है। कितनी सही बात है जी। तो वहां से आता है ये नाम, और मेरे अनुसार काली माँ आज की परफेक्ट कलयुग चालू है, कलिका युग चालू है, ऐसा बोला जाता है। तो काली माँ इज द ऑप्टिमम एग्जांपल। जी, बहुत खुशी की बात है, वो काली माँ का एक एग्जांपल हमारे भीतर है। और गीतांजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आप नृत्यांगना रही हैं, तो नृत्य में आप इन नव दुर्गाओं को किस प्रकार प्रदर्शित करती हैं, क्या भाव रहता है, क्या सोच रहती है उसके पीछे? नृत्य, ये कथक नृत्य है जी, ये शब्द आया है, कथा कहे सो कथक कहावे जी, तो इसका रूप ही है कि कथा कहना जी। नृत्य और अभिनय और हस्त मुद्राओं के साथ भाव करना और अलग अलग पात्र को दर्शाना जी। कभी कभी तो होता है कि एक ही नर्तक या नर्तकी अलग अलग पात्र दर्शाते हैं, और कभी कभी डांस ड्रामा होता है जिसमें आप खुद ही देवी बन जाए या कोई और पात्र बन जाए। तो इसी नृत्य में ये खूबी है। तो देवी की हम आराधना, जैसे नवरात्र के समय में, तो मैंने खुद भी वहाँ पर कई मंदिरों में नृत्य किया है, मुझे अवसर मिला है जी। तो दुर्गा के ऊपर जैसे किया, तो उनकी अलग अलग मुद्राओं से, तो उनका त्रिशूल जी ये दिखा दिया जी, उनकी काले घने बाल, त्रिनेत्र, सुंदर नेत्र, कुंडल आभूषण, और जब वो संहार करती हैं और उनका मुंडमाल धारण करती हैं, तो ये नृत्य के माध्यम से जी हम दिखाते हैं। और कई कई कथानक हैं इस पे, उस पे कवित्व हैं, जैसे दुर्ग दुर्गति नाशनी, दल असुर दल 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 मलित दल, शुंभ शुंभन मार काट पछार डारत तनिक में, रही भुवन त्रिभुवन जय ति जय, सुर सकल निर्भय गान गावत, सारे देवता
प्रसन्न हो गए जब उन्होंने नाश किया शुंभ निशुंभ का। सुर सकल निर्भय गान गावत ताल दय 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 मृदंगन तक झिंगन। तो नृत्य के माध्यम, अब मैं खड़ी होकर नृत्य करूं तो आपकी वाणी में ही वो नृत्य करता हुआ जैसे आप बोल रही थी, शब्द भी नृत्य करते हुए निकल रहे थे। तो उनका वर्णन हम सब हाव भाव और नृत्य के माध्यम से और उसके साथ जुड़ा हुआ संगीत और लय ताल छंद जी, तो उसके हिसाब से हम जी। मानुषी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आर्कियोलॉजी से संबंधित हैं आप, तो क्या ऐसे हिस्टोरिकल कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं जिसमें कि उस शक्ति को साक्षात रूप से ऐसे देखा जा सके? जी, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल दोनों माध्यम से कई सारे हमारे प्रूफ से जी जो शक्ति के साथ कनेक्टेड है जी। जैसे कि पिछले 10 साल से कई सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो एक्सप्लोर्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड और जो लेस एक्सप्लोर्ड है, वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड योगादित्य सिंह रावल हम दोनों ऐसे जाके वो जो पूरा कम्प्लीटली रुइंस में है जिसमें रेस्टोरेशन की ज़रूरत है वो लोगों तक पहुँचाते हैं कि आप ये विजिट करो और इसमें अवेयरनेस फैलाओ। तो देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की एक स्कल्पचर हमें देखने को मिला है जो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अच्छा, ये है आपका देवघर में, देवघर देवघर अच्छा, जैसे देव की भूमि, देवघर मीन्स देव की भूमि जी, जो फोर्ट ऑफ द गॉड्स कहते हैं। तो वहाँ ऐसे कई सारे गुफाएं हैं और उनमें से एक गुफा में सप्तमात्रिका जो 7 रूप है शक्ति की जी, और उनके साथ शिव और गणेशा, सप्तमात्रिका और गणेशा का एक स्कल्पचर है जो गुप्ता एरा की है। अच्छा। गुप्ता एरा जैसे कि हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न हिस्टोरियंस ऐसे बताया जाता है कि 3rd century to 6th century AD गुप्ता एरा है, लेकिन हमारा जो अपना पुरानिक एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से गुप्ता एरा है लास्ट 300 years of BCE। इसका मतलब 2000 साल से भी पुराना जी। तो वो गुप्ता एरा के एक महिषासुर मर्दिनी का स्कल्पचर वहाँ मिला है और सप्तमात्रिका, ये सिद्धि केव्स और राजघाटी, ये है आपका बेतवा नदी के किनारे एक रॉक क्लिफ से वहाँ ये स्कल्पचर्स पाया गया। तो वहाँ जैसे हम लोग गए तो वहाँ एक एनर्जी वाइब्रेशन हम लोग फील किए। अच्छा, कि माँ का एनर्जी जी। और इसी तरह हमने मैहार, ऐसा एक जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ मैहार नाम माई का हार, जैसे सती का जब 51 अंश जगह जगह पे गिरे हैं तो वो 51 शक्तिपीठ हुए हैं, तो उसमें से एक शक्तिपीठ मैहार है, तो माई का हार गिरा था वहाँ। तो वहाँ जाने के लिए कई सारे आप उनको क्या कहते हैं, रोप वे से भी जा सकते हैं और चल के भी, बेयर फुट चल के जा सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग चल के गए और उनका कई हजार साल पुराना, उनका मतलब एंटिक्विटी ऑफ दैट टेम्पल इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, तो उनका मंदिर जो है नए तरीके से रिनोवेटेड करके बनाए गए। तो वहाँ जब हम लोग अंदर गए माँ का दर्शन देने, तो हमारा गर्भगृह के अंदर जाते ही, अंदर की तरफ जाते ही हमारा एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है जो हम, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो माँ का एक्सपीरियंस जो माँ के साथ कनेक्टेड हो गए, आध्यात्मिक अनुभव। हाँ जी। तो और मतलब हमारे आँखों के आंसू निकल गए, सारे रोंगटे खड़े हो गए और वो 2-3 minutes का जो एक्सपीरियंस है वो हम सरियल एक्सपीरियंस, जो डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के साथ जो कनेक्टेड हो गए थे सोल, आपके कहने से मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस हमने महसूस किया जी। और उसके रिलेटेड एक हिस्टोरिकल फोकलोर भी है जो आल्हा उदल के नाम से जाना जाता है, एक हिस्टोरिकल फोकलोर है। आल्हा एक बुंदेलखंड की वॉरियर है, कमांडर थे जिन्होंने टर्कीज इन्वेडर्स को उन्होंने हराया था। अच्छा। वो देवी माँ की, वो शारदा माँ कहते हैं, जो मैहार की जो माँ है उनको शारदा माँ कहते हैं, तो शारदा माँ की वो डिवोटी थे, उपासक। तो उन्होंने 12 साल उन्होंने तपस्या की और माँ का आशीर्वाद मिला, और ऐसे कहा जाता है कि वो तो 12-13 शताब्दी के दौरान थे। अब भी ये कहा जाता है कि वो अभी भी माँ के दर्शन देने के लिए, लेने के लिए आता है, फूल चढ़ाते हैं। तो ऐसे रहस्यमय है थोड़ा, तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया गया है कि उनका देखे, लेकिन कैमरा में आते नहीं है, फूल और
जी, कई चीजें इंद्रियों से नहीं दिखती लेकिन वो होती हैं, जैसे ये वाइब्रेशंस भी तो है ना, ये भी तो एक शक्ति है जिससे हमारे सभी चीजें ऐसे चलती हैं, सेलफोन हो, कोई भी हो, रेडियो हो, टीवी हो। और साइंटिफिक वे से आप देखेंगे तो हम फिजिक्स में एटॉम कहते हैं, वो जो वाइब्रेशंस, एनर्जी वाइब्रेशंस है, जैसे हमारा हजारों साल पुराना हमारा सिविलाइजेशन है, उसमें से हम लोग ने 1000 साल तो हमारे फॉरिनर्स ने हमें रूल किया है, फिर भी हमारा सिविलाइजेशन, इतना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कैसे सरवाइव किया है, क्योंकि वो जो एनर्जी वाइब्रेशंस हमारे जो पूर्वजों ने जी, वो जो मंत्रों और ऋषि मुनि तपस्या करके और मंदिरों में, जो आज कितने सारे हजारों मंदिरे तोड़े गए हैं, लेकिन कुछ कुछ मंदिरों में रुइंस है, लेकिन वहाँ वाइब्रेशन अभी भी जिंदा है। आप जब वहाँ जाएंगे तो वो एनर्जी वाइब्रेशन आपको जरूर फील होंगे। फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये सब मशीनें जो हैं ये टैली भी कर सकती हैं, ये खाली एक डिवोटी नहीं बोल रहा है, एक उपासक नहीं बोल रहा है खाली कि मैंने ये चीज फील करी। हमारे पास ऐसे यंत्र है, आजकल टेक्नोलॉजी है, जो काफी सारे शोधकर्ता, हम जैसे शोधकर्ता लेके जाते हैं, एंडोलॉजिस्ट लेके जाते हैं और उसको मेजर करते हैं। आप या तो उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल दिया जाता है या फिर उसको बोला जाता है कि नहीं, वो जगह की वाइब्रेशन वो इतने सालों की इतनी स्ट्रांग है कि आज तक उसका असर है। हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, कंप्यूटर से सबसे पास बोली जाती है, जो मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस जिसको बोला जाता है, माता, वहाँ पे भी माता निकली हमारी भारत। तो वो तक आप टैली कर सकते हैं, जो एक वाइब्रेशन निकलता है उसका क्या असर होता है। तो आप पुराण एक टाइम में पढ़ लीजिए, आपके बॉडी पे एक डिफरेंट असर होगा। आप भगवद गीता 28 दिन में पढ़ लीजिए, आपको जो और मिल जाएगा उससे। तो ये एक ऐसी चीज है जो साइंटिफिकली भी साइंटिफिकली प्रूवन है। और जो मंदिर संगीत में भी इस तरह की, अगर मृदंग है जी, अगर उसको सही ट्यून करिए और आप सारे दरवाजे बंद है शीशे के जी, और आप उसको थाप लगाइए और आपका शीशे टूट जाएंगे जी, बिल्कुल। तो प्रॉपर ट्यून, तो वो जो साउंड है जी, उसकी जो एनर्जी है नाद नृत्य के माध्यम से, जो शरीर की जो शक्ति है, तो पद संचालन और संगीत और उसके साथ हम दिखाते हैं, तो ऑडियंस तक जब वेन रीच आउट टू द ऑडियंसेस, तो जो रस भाव जो बनता है वो उसी संगीत से बनता है। हम तीनों ने एक चीज बहुत कॉमन बोली है जो कि है शक्ति, एनर्जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तत्सै 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 नमो नमः। तो जो हम बोल, हमारे तो हमारे श्लोकों में भी हमने बोल दिया है कि हर एक कण कण में शक्ति है, एनर्जी है। देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्तस्य 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 नमो नमः। हरे एक जो भी हमारा एस्पेक्ट है एनर्जी का, उसमें शक्ति ही है जी, बुद्धि है, धृति है ना, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें वही शक्ति। जैसे ये श्लोक अभी आपने गाया, इन्होंने गाया, तो ये जो एनर्जी का, ये जो मंत्र का जो श्लोक का जो वाइब्रेशन है, यहाँ भी स्प्रेड हो गया, तो ये एनर्जाइज हो गया ये जगह। जी हाँ, वही कहते हैं वाइब्रेशंस कभी मरती नहीं, वो हमेशा के लिए रहती हैं। जैसे आप बात कर रही थी, वो नाद ब्रह्म है, वो नाद से ही सारा, और नाद ब्रह्म ही तो है जो कि हमें सीढ़ी है, एक संगीत, नृत्य, ये कलाएं, ये पूजा, ये अर्चना, जो कि उस आध्यात्मिक पथ पर चलकर हमें उससे एकाकार करा देती है, उस सुप्रीम पावर से, उस शक्ति से, ये जो उसका अंश है एक हो जाता है। हम मॉडर्न लैंग्वेज में उसको ट्रांसफॉर्मर से मिलाना बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी मतलब शक्ति जी। शक्ति का एक रूप होता है इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। आप वो सेम इलेक्ट्रिसिटी कैमरा में डाल दीजिए, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप बल्ब्स लगा लीजिए, आपको रोशनी मिल जाएगी, और आपके फोन से आप एक दूसरे से बात कर सकते बिल्कुल हैं। उसी अनुसार वो वही शक्ति है, जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपके वो मूलधारा चक्र से उठती है, जो अर्धिंग बोलते हैं हम, मिलती है जी। हाँ, तो वो शक्ति मिल रही होती है जी, बिल्कुल। मूलाधार से प्रारंभ करके स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र से अनाहत से होते हुए ऊपर जाती है, और सहस्रार चक्र जब वहाँ पर, वहाँ से निकलती है और उसे मिल जाती है। जो हमारा मंदिर है ना, ये
बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज है वहाँ. जैसे हमारे एंशियंट और मेडिवल एरा जो भी मंदिर है जो टूट फूट में अभी पड़ी हुई है, लेकिन टूट फूट में है लेकिन उसमें एनर्जी वाइब्रेशंस पूरा है. जो उस जमाने की जो राजा रानी और जो डिवोटीज वहाँ जाते थे और वहाँ जो चैंटिंग हुई थी उसका वाइब्रेशन अभी भी जिंदा है. एक और रीजन है इसका, क्योंकि उसकी जो नीचे की प्लेट्स हैं, ऊपर का टूटा है, नीचे की जो प्लेट्स हैं सिल्वर कॉपर और कई जगहों पे गोल्ड प्लेट्स लगाई जाती थी. इसलिए इवन ये बोला जाता था कि औरतों को मंदिरों में उस दौरान नहीं जाना चाहिए क्योंकि वाइब्रेशंस ऊपर आती हैं और आप की जो शक्ति है वो नीचे जा रही होती है, तो हम ही को दर्द होगा, हम ही को पेन होगा. तो आज तक वो जो वाइब्रेशंस हम फील कर रहे हैं वो मेटल के जो वहाँ पे प्लेट्स हैं या डिपॉजिट्स हैं उसकी वजह से हम फील कर रहे हैं. कितनी खूबसूरत बात है. और ये नवदुर्गा की एक कार्विंग मिला है अजयगढ़ फोर्ट में. उस अजयगढ़ फोर्ट मतलब ऐसे जगह में है जहाँ हैबिटेशन से थोड़ा सा दूर है, लोग वहाँ विजिटर्स बहुत कम जाते हैं, टूरिस्ट भी बहुत कम जाते हैं. जब हम लोग गए थे तो शाम के करीब 4 बजे थे, तो वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं था. एएसआई का एक गार्ड था, उन्होंने हमें कई किलोमीटर हम लोग चल के उस जगह पे गए जहाँ वो कार्विंग्स, वहाँ बहुत 5-6 ऐसा मंदिर है बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हुई है, कोई उनका मेंटेनेंस नहीं है. तो वहाँ उस मंदिर के पीछे तरफ ढलान सी है, उसमें नव दुर्गा की कार्विंग्स हैं. अच्छा, सभी उनके जो रूप हैं शैलपुत्री से लेकर ब्रह्मचारिणी. हाँ, नवदुर्गा की कार्विंग्स है. वहाँ कोई नहीं जाता और कोई भी ऐसे देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे. अब तरीके जैसे हम लोग पूरा रिसर्च करते हैं, जगह जगह एक भी जगह नहीं छोड़ते, तो हमें वो दिखा जी. तब जब हम सूक्ष्म रूप से आप अध्ययन करते हैं ना, इसलिए आपको वो नजर आया. एएसआई गार्ड को पूछा तो वो कहते हैं यहाँ कोई नहीं आता देखने के लिए, इनको पता भी नहीं है. तो वहाँ जिनको तांत्रिक ताल्लुक है वो ही देखते हैं. फ्रॉम एन एंडोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने तांत्रिक की बात की है. फ्रॉम एन इंडोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपकी जो नव दुर्गा होती हैं वो पूरी यूनिवर्सल साइकिल बता रही होती हैं, प्रतिपदा से लेके जो कंसेप्शन स्टेज है आपका, वहां से लेके कि आपने आप सेकंड में आए, आप पैदा हुए, फिर ब्रह्मचारिणी बने, आपका एक रोल है वहां पे प्ले करने का. फिर आप ऐसे रूप में आए, कत्यानी बने, आपने लड़ाई की है जो बुरा है उसके आप विरुद्ध खड़े हुए. फिर स्कंद माता, उससे पहले हाँ स्कंद माता बनते हैं, पहले आपकी शादी होती है एक और रूप है, उसके बाद स्कंद माता बनती हैं. आप एंड में नवे रूप में आप सिद्धात्री पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपका लिबरेशन हो जाता है. तो इस नव दुर्गा रूप में बहुत साइंटिफिकली उन्होंने पूरा क्रिएशन समझा दिया है. जो बिग बैंग जो लोग बोलते हैं, बिग बैंग इज विद इन अस जी, तो वो नव दुर्गा में हमारी साइंस की तरफ से ऐसे समझाया जाता है. अगर बोला जाए तो हम इंडोलॉजिस्ट में बच्चों को ऐसे समझाते हैं. कितनी सुंदर बात है. इसी तरह नृत्य में हम जो शुरुआत ही जो करते हैं, हम पहले तो प्रणाम करते हैं पृथ्वी को, जो टच करना, क्योंकि पद संचालन करते हैं और हाथों से छू के उनकी प्रार्थना करके हम नृत्य शुरू कर रहे हैं जी. और उसके बाद किसी न किसी वंदना से ही हम शुरू करते हैं. तो वो एक एक ईश्वरी चीज है कि ईश्वर को पाने की. तो या तो दुर्गा स्तुति करते हैं या शिव स्तुति या गणेश स्तुति जी. तो ये स्तुति भी ये जो ये नहीं है कि हम दुर्गा होंगी तो, मतलब नवरात्रि होंगी तभी पूजा करेंगे. हम तो रोज ही आराधना करते हैं, रोज ही ईश्वर की प्राप्ति. गणपति के भी तो फेवरेट शक्ति है, शक्ति हाँ, दोनों लड़ जाते थे किसी से भी उनके लिए. सप्तम अत्रिका के जो कार्विंग्स मिले थे वो हमें भी, सप्तम अत्रिका जो कंप्लीट होते हैं शिव और गणेशा के साथ. अच्छा. और शिव यहाँ बीना के साथ दिखाया गया, जैसे शिव त्रिशूल के साथ होता है और सर्प होता है, वो जो सप्तम अत्रिका के साथ जो शिव होता है उनके साथ बीना होता है.
कितनी सुंदर। तो ये जो 2000 साल जुड़े हुए हैं, 2000 साल पुराना कार्विंग में ये दिखाया गया, और भी बहुत सारे कार्विंग जो देवियों के साथ साथ बैठेंगे तो वो खुद भी तो वीणा लेके ही बैठ जाएंगे कि मैं शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप नृत्यांगना रही हैं, तो नृत्यांगना के रूप में शक्ति को आप कैसे देखती हैं? हम शक्ति, अपनी शक्ति दिखाकर, खुद नर्तकी की मेरी अपनी शक्ति, जैसे स्टेज पे परफॉर्म, हमारा काम है परफॉर्मेंस, तो व्हेन वी परफॉर्म फॉर गेटिंग दैट शक्ति वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स एंड फॉर मंथ्स एंड इयर्स टू गेट दैट शक्ति टू बी एबल टू रीच आउट टू द ऑडियंसेस। ऑडियंस तक पहुँचने के लिए आप ऐसे ही कोई 4 दिन सीख के जी हमें टीवी में प्रोग्राम करना है तो वो नहीं क्यों सक्सेसफुल नहीं होता, आपने वो शक्ति आप में पैदा नहीं हुई। तो ये भी साधना है, तपस्या है वो तपश्चारिणी, पार्वती ने शिव को पाने की तपश्चारिणी कहते हैं उन्हें, वही है ये महातप है, 4 दिन का काम नहीं है, तो ये तपस्या करके तब हम कुछ करते। बहुत प्यारी बात कही कि वही आपने भीतर आपने इन्वोक किया वो शक्ति जो थी तपश्चारिणी ब्रह्मचारिणी, खुद की शक्ति कि सब भौतिक पदार्थों से अलग हो गए और उस ब्रह्मचर्य में, मतलब वो जो ब्रह्म है उसकी चर्या करना, उस ब्रह्म के जो हमारा जो प्रैक्टिस या रियाज होता है वो तपस्या अकेले में ही होता है जी, वो किसी के साथ ही अपनी अपने साथ जुड़ना, अपने साथ जुड़ना जी, अपना साध्य करना अपने सब्जेक्ट को जी, ये भी एक उपासना है, उपासना है ईश्वर की। उपासना सिर्फ धूप दीप से ही नहीं कर सकते, हम अपनी कला के द्वारा जो उसने दी है हमें, वही तो हमारे भीतर बैठकर नृत्य भी कर रहा है, बोल भी रहा है और सुन भी रहा है, सभी इंद्रियों को शक्ति वही तो दे रहा है। तो वो जो दुर्गा माँ है, चाहे हम उसे किसी भी रूप में पूज लें, वो हमारे भीतर मूर्त रूप में इस तरह से अभिव्यक्त होती है। शक्ति के रूपों में प्रिया जी आप कुछ बताएं। शक्ति के रूपों के बारे में तो पूरी दुनिया में वो बहुत फेमस है, मैं तो बोलना चाहूँगी, क्योंकि खाली भारत में शक्ति की पूजा नहीं होती है, देवी एक ऐसी है, मदर जिनको बोला जाता है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आप, फ्रांस चले जाइए आप मेक्सिको चले जाइए, वहाँ पे देवी के बहुत सिमिलर जो हमारे भारतीय रूप हैं वैसे ही रूपों की आराधना होती है। और ये बताया जाता है, मतलब इसका ये मतलब है कि जो एक औरत होती है वो जीती जागती शक्ति होती है जी, क्योंकि वो दूसरी दुनिया से एक जान इस दुनिया में और एक आत्मा इस दुनिया में लेके आती है जी, तो वो एसेंस जो है प्रकृति, शक्ति मतलब प्रकृति, सबसे बड़ी हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं तो वो माता जब रौद्र रूप पे आ जाती है, तो ये जो डिफरेंट डाइटीज बनाए गए हैं या जो डिफरेंट रूप बनाए गए हैं वो इन्हीं को देख देख के, हमारी जो आज आपके आसपास जो सीताएं सावित्री जो बैठी हैं उनके को ही देख के माताओं को बनाया गया है। तो जो इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन किसी की नहीं है जी, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सब में होते हैं, खाली एक में सब नहीं होते हैं, वो फिर वो बहुत इनजस्टिस हो जाएगा अगर एक ही सब में हो तो जी, तो ट्राइबल्स भी अपनी तरह से देवी की आराधना करते हैं, राधर ट्राइबल्स ने ही शुरुआत की थी ऐसा बोला जाता है, आदिवासी जो अलग अलग थे उनकी देवियों की पूजा की जाती है, तो ऐसे कई आदिवासी हैं जो 3 देवियों का सर एक के ऊपर एक लगाते हैं, तो वो उनका तरीका है वो सेम 3 देवियों को रखने का, तो ये हमने बहुत देखा है विदेशों में, तीनों शक्तियां मिलकर कार्य कर रही हैं एग्जैक्टली, है ना एग्जैक्टली, उनकी त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है जी जो कि पैदा करती है पालन करती है और संहार करती है, जो सत्व रज और तम के रूप में है, वह त्रिगुणात्मिका शक्ति ही प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त होती है। कितनी अच्छी बात। और जो आपने अभी देवियों की बात कर रही थी, स्कंद माता जी को जो दिखाते हैं कि उन्होंने एक हाथ में तो स्कंद जी को गोद में ले रखा है लेकिन वो सिंह के ऊपर विराजमान है, मतलब वो कार्य बहादुरी वाला भी कर रही है लेकिन उनका ममत्व भी है। तो हम जो नारियां हैं वो दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर चल सकती हैं, हमने जो अपना कार्य करना है कार्य क्षेत्र में उसको भी हम अच्छे से कर सकती हैं, प्लस जो हम रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं अपने घर में परिवार में समाज में उसको हम साथ लेकर, और उसके लिए हमें कोई रौद्र रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है, सौम्यता से हम ये दोनों कार्य मिलकर कर सकते हैं। कितनी सुंदर बातें इस तरह से हमें समझाई गई हैं माता के रूप में। प्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वर्तमान समय के संदर्भ में उस नवदुर्गा की क्या रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है?
मैं कहना चाहूँगी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की थी स्कंद माता के बारे में बता के कि एक हाथ में तो उनके बच्चा है और वो बैठी विराजी हैं एक सिंह के ऊपर, तो उन्होंने बैलेंस किया है जी। उसी तरह ये जो नव दुर्गा है वो जो फेजेस होते हैं जो अध्याय होते हैं वो हर एक औरत के लाइफ में आते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन कि वो भू से निकलती हैं प्रतिपदा से लेके वो सिद्धात्री तक, तो वो हर एक रूप उस औरत में होना चाहिए, एक फेज आना चाहिए और वो एक फेज भी आना चाहिए कि उनको रौद्र रूप लेना पड़ता है, वरना जो इंसान जितना झुकाता जाता है झुकता है उतना उसको झुकाया जाता है जी। तो एक रूप आता है कि वो उस रूप में भी जाती है लेकिन फिर वो तुरंत शांत होकर महागौरी बन जाती है उसके बाद। कितनी प्यारी बात जी। जी। तो उन्होंने बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है और जिस दिन ये समझ गए कि हर एक इंसान में खाली औरतों के रूप में नहीं वो एक हर इंसान के अंदर वो नौ फेजेस होने चाहिए, बिल्कुल अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लें तो वो नौ फेजेस आप हर इंसान को दे दीजिए वो पहले ही समझ जाएगा कि उसकी लाइफ में ऐसे अध्याय आने चाहिए जी। तो देयर विल बी वो उनके आगे उनको देखने के लिए कुछ रहेगा कैसे लेवल्स क्लियर करें। मेरी तरफ से साइंस की तरफ से हमारी तरफ से तो यही रहेगा नवदुर्गा का डेफिनेशन जी। गीतांजलि जी आप कृपया बताइए कि आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी। मैं कहूँगी कि मैंने भी जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस किया और मैंने दुर्गा का रूप खुद भी धारण किया था। नृत्य एक ऐसा है सब्जेक्ट कि आज के युग में तो है पर पहले जब मैंने सीखना शुरू किया जब मैं 6-7 साल की थी जी। तो उस जमाने में ये सोचना कि नृत्य को अपना प्रोफेशन करियर बनाना है इट वाज नॉट इजी जी। तो समय के साथ जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे डांसर बनना है नर्तकी बनना है तो प्रोफेशन तो समाज में बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली तो वो कहें कि नर्तकी बनना ये प्रोफेशन इज इम्पॉसिबल। खैर वो हो गया उसके बाद समाज से जूझना जी तो दुर्गा तो आपको बनना ही पड़ेगा जी। तो इस आज के संदर्भ में तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये मेरा एक करियर मैंने बनाया नृत्य और उससे मैंने देश विदेश को मैं घूम सकी सबको ज्ञान दे सकी और इस नृत्य के माध्यम से दुर्गा कहो अपनी माइथोलॉजी स्टोरी कहो जो आजकल के बच्चों को कम मालूम होती है मेरे सभी शागिर्दों को मैं ये ज्ञान इसके नृत्य के माध्यम से दे पाई जी। और अपने सभी संस्कार संस्कृति जी ये सब मैं दे पाई। अपने सभी भावों की अभिव्यक्ति भी आप उसी तरह से कर पाती हैं जी जी। आप इस विषय में क्या कहेंगी कि इसकी क्या प्रासंगिकता है नव दुर्गा की वर्तमान समय में। जैसे हर नारी में एक शक्ति है जैसे हम उस शक्ति को पहचानेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज के संदर्भ में हम ये अगर हम एग्जांपल्स ड्रॉ करें तो हमारे चारों ओर ऐसा शक्तियाँ है जैसे कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर ही नारी शक्ति का एक प्रतीक है अभी। और हम पर्सनल लाइफ से अगर हम कहना चाहेंगे तो मैं अपना एग्जाम्पल ड्रॉ करना चाहूँगी कि मेरी माँ हम लोग लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आए थे जो हमारी माँ और हमारे हम लोग 5 बहनें एक भाई है तो उन लोगों को कैसा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया फाइटिंग अगेंस्ट ऑड्स तो उनको उन सब नव दुर्गा का रोल उन्होंने करके हमें दिखाया आगे बढ़ाया दिखाया और उन्हीं से एग्जांपल ड्रॉ करके हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सुंदर बात। तो देखा जाए तो वही शक्ति हम सभी जीवों के भीतर विद्यमान है आवश्यकता है उसे जागृत करने की। कितनी सुंदर बात है कि वही नव दुर्गा शक्ति के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। भीतर अमूर्त शक्ति और बाहर उपस्थित हो जाए तो वो देवी। उसी देवी की आराधना करने के लिए हम सब अपने तरीके से यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी ने उसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बताया, किसी ने आर्कियोलॉजिकल, किसी ने अपने आर्टिस्टिक अंदाज से बताया और किसी ने साइंटिफिक उसका इंटरप्रिटेशन किया। इस कड़ी में इतना ही। श्रृंखला की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे और कुछ चर्चा के साथ जो नवदुर्गा के विषय में आपको अवगत कराएंगी। नमस्कार।